हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और यही दुआ करते हैं कि हमेशा आप लोग अच्छे ही रहें। तो अभी दोपहर का टाइम, दोपहर मतलब कि सुबह का ही है, 11 11 साढ़े 11 के लगभग हो रहा था। और मैं खाना बनाना अभी स्टार्ट करी क्योंकि घर का जो सुबह वाला जो काम होता है ना, वही इतना लेट लेट होता है। और उसके बाद फिर वीडियो की एडिटिंग भी मेरा सुबह ही होता है। तो क्योंकि आजकल जो टाइमिंग है ना, वो चेंज कर दिए हैं, तो 2 बजे ही मेरा वीडियो जाता है ना। तो सुबह वीडियो वाला काम पहले हो जाता है तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाता है। तो दाल बन चुका है और एक तरफ कढ़ाई पे चढ़ा चुके थे तेल, जैसे ही सरसों का तेल गर्म हुआ उसमें जीरा डाल दिए, जीरा का यानी तड़का दे दिए। और उसके बाद प्याज और सूखी लाल मिर्च डाल दिए। सूखी लाल मिर्च एक ही डालें क्योंकि आजकल ना मेरे हाथ का कोई भरोसा नहीं, कितना भी मिर्च डाल दीजिए पता नहीं कैसे दांत तेज हो जाता है। आजकल मैं ना थोड़ी सी तीखी हो गई हूँ तो बहुत ज़्यादा डर डर के मिर्च डालना पड़ता है। तो एक ही मिर्च डाले हैं और आज बनाने वाले हैं लौकी की भुजिया। एकदम सिंपल वाली, कोई इसमें मसाला नहीं ऐड करते हैं। बहुत लोगों को हम देखे कि मसाले के साथ बनाते हैं, और मैं भी कई बार ऐसा होता है जब थोड़ा सा चेंज करना होता है ना तो मसाले ऐड कर लेते हैं सूखे वाले। लेकिन मैक्सिमम जो अगर हम लोग का दिन में बनता है ना दाल चावल के साथ, तो हम लोग ऐसे ही हल्का बिना मसाले वाला बनाते हैं। तो यहाँ पर चावल भी एक तरफ चढ़ा देते हैं क्योंकि ये आ चुके हैं, आज ये खाना खाने के लिए आ चुके हैं। लेकिन ना मेरा खाना अभी तक रेडी नहीं है, हो जाएगा जब तक अभी ये आए हैं। थोड़ा देर लेटेंगे बैठेंगे तब तक खाना पीना बन जाएगा। रोज़ का आदत है, रोज़। अब तो ना सुन सुन के ना मेरा कान भी एकदम बहरा हो गया सुन सुन के ना कान भी बहरा हो गया। एक नया देखिए आप लोगों को दे रहे, कोई कितना भी ताना मारते रहे ना, इग्नोर कर लीजिए, अपने काम पे फोकस कर लीजिए। वैसे भी ना जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं तो रोज़ कोई ना कोई आके ताना मार ही देता है कि इससे तो अच्छा वहीं थे, बताइए यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये बोले सिर्फ इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आए। वो तो मैं खुद ही कह रही हूँ कि हाँ, मेरी जिद की वजह से सब लोग यहाँ आए। लेकिन क्या करें, सुनना पड़ता है। अब लोग सुनते हैं तो कभी कभी तो पछतावा भी होता है कि नहीं आना चाहिए, तो वहीं रहते कम से कम लोगों के ताने तो नहीं सुनना पड़ता। तो वो देखिए आके लेट गए। जिया कहेगी कि मैं मम्मी यहाँ पे आके ना बहुत बदल गई हैं, पहले हम लोग का बहुत ध्यान रखती थी। ये कहते थे, ये भी कहते हैं कि पहले वहाँ थी तो बहुत ध्यान देती थी, टाइम से पानी खाना, समझ लीजिए कभी कभी सर में तेल लगा देना। यहाँ तो ये ऐसी ही बिजी रहती है कि कुछ भी नहीं करती। अब आप लोग खुद ही देख लीजिए कि मेरे जिम्मे ना कितना काम में, ये खाना तो बना रहे हैं साथ में, अभी बड़े वाले कूलर में पानी भरे और उसके बाद एक बार नल बंद किए। अब उनको भी नहीं बोले कि हाँ आप नल बंद कर दीजिए क्योंकि जान रहे कि अभी आए हैं। और अभी ना सोते हुए शेर को जगाना अभी ठीक नहीं है, थोड़ा देर रहेंगे और जैसे ही इनको काम पे लगाएंगे ना तो खाना मांगने लगेंगे। तो पानी चालू कर दिए क्योंकि अभी सब कूलर में पानी भर रहा है ना, तो टंकी खाली हो जाएगी। और आजकल हवा भी चल रही है तो कहीं टंकी उड़ गया तो एक तो खर्चा और बढ़ जाए इसीलिए टंकी में पानी भर लीजिए। और उसके बाद आके सब्जी भी चला चुके हैं और अब चलते हैं तो बॉटल में भी पानी भर लेते हैं। बॉटल ना ये वाला जो है ये अब खाली होने वाला है, और जिस दिन खाली हो गया तो मैं बोली ना कि पानी ख़त्म हो गया है। तो इनको अभी जब से जीसू आया था तब से जीसू का ही काम था कि पानी भर भर के ना ले आता था। जब से इस इधर वाले घर पर आया ना तो जीसू काफ़ी ज़्यादा घर पर ध्यान देता था छोटी छोटी चीज़ पे, और वो अपने से ही हैंडल कर लेता था, इनको कभी परेशान नहीं करता था। और जब ये चला गया ना तब इनको जाना पड़ता है। तो जिया और ये दोनों लोग जाते हैं पानी भरने के लिए, तो बॉटल भर के रख देते हैं। अभी मौसम तो ठंडा है, फ्रिज में नहीं रखा रहा है, हम लोग बाहर का ही जो नॉर्मल पानी है ना वही पी रहे हैं। लेकिन भरा हुआ रहता है तो कोई भी आता है तो उठा के और पी लेता है। तो खाना यहाँ पर मेरा एकदम लगभग लगभग रेडी हो चुका है और मैं बना रही हूँ रायता। लौकी की जब भी सब्जी बनती है ना तो उसके साथ ना रायता ही मज़ा आता है। अब हर किसी का अपना एक वो होता है ना कि इसके साथ ये खाते इसके साथ ये खाते, तो मेरा भी ना एकदम फिक्स है कि लौकी की जब सब्जी बनती है तो रायते के साथ खाते। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बाकी बता रहे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं बनाती हूँ लौकी की सब्जी वैसे बना के देखिएगा। सिर्फ जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें जीरा का छौंका डाल दीजिएगा, यानी कि तड़का डाल के उसमें ना प्याज और सूखी लाल मिर्च डाल दीजिएगा, और सूखी लाल मिर्च अंदाजे से डालिएगा। उसके बाद जैसे वो लाल होगा उसमें लौकी महीन कट करके डाल दीजिएगा, हल्दी और नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद इसको अच्छे से भून लीजिएगा जब तक कि इसका पानी पूरा सूख जाए और अच्छा खासा एकदम सूख जाए लौकी की सब्जी। और फिर क्या, रायते के साथ इंजॉय करिए दाल चावल रायता। और यहाँ पर मैं क्या करी, तो दाल में ना तड़का लगा रहे हैं।
पहले उतना नहीं लगाते थे तड़का। और एक चीज और, आप लोग पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मैं बता रही हूँ, मेरी बात मान लीजिएगा। तो वहाँ के पानी है ना, वहाँ का पानी क्या था ना कि साफ कर करके हम लोगों को फिर से दिया जाता था। ऐसा था कि वो पानी को ना स्टोर करके और फिर उसमें क्या क्या डाल डाल के फिर साफ करके और फिर पानी वही आता था हम लोग के पास। तो उसका जो खाना बनता था ना, वो अच्छा नहीं, जैसे उतना स्वाद नहीं होता था, टेस्टी नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये हैंडपम्प का पानी है ना, तो इसका जो टेस्ट ना खाने का वो अलग है, और मुझे अच्छा भी लग रहा। आप चाहें तो दाल चावल भी खा लीजिए तो भी आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बुरा। तो पानी का ना बहुत फर्क पड़ता है, और गांव में जब जाइए तब तो और भी अच्छा वहाँ का पानी रहता है। पता नहीं ये मेरी सोच है या ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर दाल में लगा रहे हैं तड़का और लहसुन का लगा रहे हैं। मुझे लहसुन का ज़्यादा अच्छा लगता है और इजी भी पड़ता है। तो वही काम करिए जो इजी भी हो जाए और खाने में मज़ा भी आ जाए। तो यहाँ पर मेरा खाना बन के आप लोगों से बात करते करते देखिए कितना जल्दी जल्दी मेरा खाना भी बन गया, रायता भी बन गया, और इनको दे देते हैं एक खीरा कट करके खाना। तो अभी टाइम हो रहा है 7:15, और हम लोग ना मार्केट जा रही है। हेलमेट नहीं मार्केट हाँ मार्केट जाने बोल रही हूँ। हाँ तो हम लोग यहीं पास में ना शॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग शादी में, फिर से शादी में जाने की तैयारी हो रही है। वैसे तो जानना कि हम वो नहीं था कि हाँ नहीं जाएंगे, लेकिन सारा सारा पूरी परिवार सब लोग जा रहे हैं, पूरी फैमिली जा रही है। तो ये हुआ कि चलते हैं हम लोग भी, हो आते हैं। यही सब मौका रहता है ना कि घर और जाने का। ये जो गेट है ना, ये बंद ही नहीं होता है जल्दी। हस तो बंद कर दिए हैं और चलते हैं, और क्या लेंगे वो आप लोग को। बाहर का लाइट नहीं जलाए, और जिया ना यहाँ घर पे गई है, यहीं पे रहेगी और हम लोग तुरंत ही आ जाएंगे। तो मार्केट से आ चुके हैं और भिंडी और आलू की सब्जी फटाफट चढ़ा लिए, और टाइम अगर बताएं तो 9:15 के लगभग हो रहा है, और बहुत टाइम लग गया है। उनके यहाँ ना भीड़ ज़्यादा था, तो पहले हम लोग इंतज़ार किए और उसके बाद फिर लिए हैं। तो अभी रोटी बनाना बाकी है, भिंडी ना लगभग तैयार हो चुकी है, और दिखाते हैं कि क्या क्या लिए। अभी हम जिया को बोल के गए कि तुम यहीं पर बैठो दिखा देना, लेकिन वो भाग गई। तो दिखाते हैं आप लोग को हम ही। और एक चीज़ तो आप लोगों की जो डिमांड थी ना, सब लोग मुझे बोल रहे थे कि बाजी वो जरूर ले लीजिएगा, जरूर ले लीजिएगा, क्या वो अभी हम दिखाते हैं। पहले सब चीज़ रेडी कर लें, ले आए हैं क्या क्या। हाँ आ तो गई। हाँ चलो दिखाओ, और ये भी दिखाओ। बहुत सारी शॉपिंग हुई है, तो आपको एक एक करके जिया दिखाई। हाँ तो ये वाला सूट लाए हैं जिया के लिए, और एक ये वाला सूट लाए हैं। ये दोनों सूट ना जिया बनवाएगी, और एक ये हम अपने लिए लिए, एक ही अपने लिए लिए, मतलब कि ये वाली मेरी है और ये दोनों ना जिया की है। एक हम अपने लिए सूती वाला लिए, दो सूट लिए, ताकि हल्का फुल्का गांव के लिए सही रहेगा। वैसे गांव में पता नहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ प्लानिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, तो ये वो दोनों मेरा सूट है। चलो तीन, हाँ हाँ तीन तीन। जिया को तो ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बोली कि हमको दे दीजिए, लेकिन हम नहीं दिए, क्योंकि मेरे पास ना घर में पहनने वाला सूट नहीं था, सब खराब हो चुका था। लेकिन इधर बीच ले नहीं रहे थे, थोड़ा तंगी के हिसाब से, लेकिन अब ज़रूरत हो गई तो ले लिए। साथ में लेकर आए हैं, अरे ये नहीं लेकर आए, जो लेकर आए वो दिखाओ, बस एक ही तो दिखाओ। तो ये वाला पर्दा जो हम ईद में लेके आए थे, तो आप लोग सब लोग कह रहे थे कि ये पर्दा बहुत अच्छा लग रहा था,
आज गए तो ये भी लेकर आ गए हैं आगे वाले रूम के लिए। हाँ जी, तो आप लोगों के लिए ही सिर्फ हम इतना खर्चा किए, नहीं तो मेरा ना लेने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जैसे था, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन फिर सोचे कि एक पर्दा था ही, लेकिन फिर ले लिए तो ये था। और जो जो वहाँ पे देने के लिए लिए हैं वो अभी आप लोग साथ नहीं शेयर करेंगे, जब जाने लगेंगे ना तब, क्योंकि अभी टाइम है, फिर अभी से दिखा देना अच्छा नहीं लगेगा। तो जब जाने लगेंगे ना तब आप लोगों को दिखा देंगे। तो चलिए, बस भिंडी मेरी लगभग बन चुकी है, आए तो जल्दी जल्दी इसे भिंडी काटे हैं। और जिया को भूख लगी थी तो वो मैगी बनाई अपने लिए, तो हम लोग ये किए। चाय पीने का बहुत मन करा, चाय पी के गए थे, लेकिन अभी चाय नहीं पियेंगे। और मज़ेदार एकदम भिंडी आलू की सब्जी तैयार हो गई है, और जीशु का याद आ रहा है क्योंकि जीशु को बहुत पसंद है। अभी गए हुए वो कल ही गया है, लेकिन ना मन उदास उदास, और अभी फिर आ भी जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, हम लोग को डायरेक्ट वो गांव पे इंजॉय कर लेगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से।